दोस्तों हमारे चैनल पर स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस वीडियो नंबर 4, तो चौथी ये वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियो कर ली। तीनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप तीनों वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के भी क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताएं। फॉर्मूला रहेगा 10 - 9/9, यानी जो क्रय मूल्य है उसमें से विक्रय मूल्य को घटा लेंगे। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 में से 9 घटा दिया और नीचे पीछे वाली जो 9 है वस्तु उनको इसमें नीचे से नीचे गुणा कर देंगे। तो 10 में से 9 गया 1 और 1/9 गुणा 100, तो 100/9 11 से 1/9 प्रतिशत हमें लाभ मिलता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आसान ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सचिन ने 20 वस्तुओं के लिए जितनी रकम अदा की उतनी में वह 16 बेचता है, उसे कितना लाभ होगा। वही ट्रिक है, बिल्कुल सेम। 20 - 16/16 गुणा 100, 4/16 और 4 से कट जाएगा, ये 4 × 16 और 4 से 25 पे कट जाएगा 100, तो 25% इसका मुनाफा होता है। नेक्स्ट देखिए, एक थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को 27 कलम की कीमत लेकर 30 कलम बेचता है। खुदरा विक्रेता कलम को अंकित मूल्य पर बेचता है। खुदरा विक्रेता द्वारा प्राप्त किया गया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक थोक विक्रेता है, बड़ी दुकान वाला जो दुकानदारों को सामान बेचता है। खुदरा विक्रेता को 27 कलम की कीमत लेकर के, यानी 27 कलम की कीमत लेता है और 30 कलम बेचता है, 30 कलम बेचता है। तो खुदरा कीमत, खुदरा विक्रेता क्या करता है, कलम को अंकित मूल्य पर बेच देता है। खुदरा विक्रेता को कितना लाभ मिला, यानी छोटे दुकानदार को कितना लाभ मिलता है। वो 27 की के हिसाब से 30 कलम खरीदता है और अंकित मूल्य पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो खुदरा व्यापारी का लाभ प्रतिशत 3/27 गुणा 100। अंतर कितने का है, 30 - 27, ये लाभ है ये, यानी 30 में से 27 घटा लेंगे तो 3 कलम का उसको लाभ होता है। और हमें पता है लाभ बटे क्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य 27 कहलाएगा गुणा 100, तो क्रय मूल्य कितना है, 27 है। यानी ये मान लेंगे कि 27 कलम है तो 27 लेता है, तो ये क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य 30 है, क्रय मूल्य 27 है, तो घटा देंगे तो क्या आएगा, 3 क्या आएगा, लाभ आएगा। तो लाभ कितना है, 3 है, तो 3/27 गुणा 100 ये काट देंगे, 3 × 27 100/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66 मीटर कपड़ा बेचकर कोई व्यक्ति 22 मीटर की क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो क्या करता है, 22 मीटर क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। देखिए इसका हल देखिए, 22/66 × 100 33 × 1/3% उसको लाभ होता है। तो कितना है उसका, 66 मीटर कपड़ा बेचकर, 66 मीटर उसने बेचा, ये तो क्या हो गया, इसका विक्रय मूल्य, और 22 मीटर की क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ मिलता है, तो इसके बराबर उसको लाभ मिलता है, 22 मीटर जो क्रय मूल्य है उसके बराबर, तो लाभ प्रतिशत सीधा क्वेश्चन है, 22/66 × 100 33 × 1/3% लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 24, 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब की बार थोड़ा उल्टा क्वेश्चन आ गया, पहले क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता था, अब की बार विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। ऐसे केसेस में क्या होता है, नीचे हमें घटाना भी पड़ता है। अगर यहाँ क्रय मूल्य होता, क्रय मूल्य, तो हम डायरेक्ट क्या करते, 30/120 गुणा 100 करते, लेकिन अब की बार हमें क्या करना पड़ा, 30/120 - 30 करना पड़ा गुणा 100, अगर विक्रय मूल्य है तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये घटाएंगे हम, 30 बटे ये आ जाएगा हमारे पास 90 आ जाएगा घटाने पर,
जीरो से जीरो और तीन दिया 900 बटे तीन, 100 बटे तीन 33 से 1/3 प्रतिशत इसको लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब की बार इसको होती है हानि कितने की होती है, इसको हानि होती है 50 वस्तुओं की। जैसे हमने ऊपर लाभ हुआ था तो लाभ होने पर क्या किया था हमने, लाभ होने पर देखिए यहाँ पर हमने घटाया था और हानि होने पर हम यहाँ नीचे जोड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमने 200 के अंदर 50 को जोड़ दिया है, तो 200 के अंदर 50 जोड़ दिया, ये हो गया 250। तो 50 बटे 250 गुणा 100 ये आ गया कितना, 20%। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं 4800 रुपये में खरीदी, एक को 25% लाभ और जबकि दूसरी पर 25% हानि होती है। वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कुल लाभ और हानि कितनी होगी। ये क्या करता है, दो वस्तुएं खरीदता है 4800 रुपये में, एक पर 25% लाभ है, दूसरे पर 25% हानि है। यदि वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो बताइए लाभ या हानि कितने प्रतिशत होगी या कितने होगी। देखिए ऐसे केसेस में क्या है, हमेशा हानि होती है। यदि ये क्या करता है 25%, तो इसको होता लाभ, जबकि 25% इसको होती है हानि। तो एक्स वाई वाला फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अब एक लाभ है तो प्लस, दूसरी हानि है तो माइनस 25। तो ये प्रयोग करें, 25 माइनस 25 हो जाएगा। जब ये वैल्यू रखेंगे, एक नेगेटिव वैल्यू है तो ये माइनस आगे आ जाएगी, तो 25 प्लस ऐसे ये वैल्यू रखी जाएगी, माइनस 25 प्लस 25 गुणा माइनस 25 बटे 100 ऐसे इसको लिखा जाएगा। तो ये वाली जो माइनस है ये आगे आ गई, 25 माइनस 25, और ये वाली माइनस ये भी आगे आ गई, 25 गुणा 25। ये 25 तो कैंसिल, अब रह गया कितना, 25 25 की गुणा हो जाएगी 625 को 100 से भाग करेंगे तो 6.25 माइनस आ जाएगी ऐसे कैसी, तो 6.25% की उसको हानि होती है ऐसी किसी में। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं 4800 रुपये में खरीदी, प्रत्येक 4800 रुपये में, एक को 25% लाभ पर बेचा, अब दूसरी को कितने प्रतिशत हानि पर बेचेगी उसको कोई लाभ या हानि ना हो। नो प्रॉफिट नो लॉस का क्वेश्चन है, न तो लाभ हानि, न तो लाभ होगा और न ही हानि। देखते हैं कितने पर बेचता है, क्योंकि उसने दोनों वस्तु एक ही मूल्य पर खरीदी है। यदि एक को 25% लाभ पर बेचता है तो दूसरे को 25% हानि पर बेचेगा, तो उसको न लाभ होगा न ही हानि होगी, इसलिए उसको 25% हानि पर बेचना चाहिए। तो नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, 25% अगर लाभ है तो 25% हानि होगी, अगर एक ही मूल्य में वो वस्तु खरीदता है तो। अगर इसमें आप ट्रिक यूज करना चाहते तो ये ट्रिक यूज करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 जो हमने ऊपर यूज करी थी। दो वस्तुओं को 10,000 और माइनस 10,000 के समान क्रय मूल्य पर खरीदी जाती है, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाएगी, कुल 20% लाभ हो। ये क्या है, माइनस नहीं है ये प्लस है, ये मिसप्रिंट है। 10,000 और 10,000 यानी 10,000 के समान क्रय मूल्य पर खरीदी जाती है, दो वस्तुएं हैं 10,000 रुपये पर खरीदी जाती है एक वस्तु। दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं हम, दोनों का जो क्रय मूल्य है कुल क्रय मूल्य 10,000 और 10,000 20,000 रुपये हो गया। 20% लाभ लेने पर 20,000 गुणा 120 बटे 100, यदि इसका 20% लाभ निकालें
तो 24,000 निकलता है। अतिरिक्त कितना आता है? इन्होंने क्या कहा था ऊपर ऊपर क्वेश्चन में कहा था, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, एक वस्तु को, और दूसरी को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि कुल हमें 20% लाभ हो। तो हमने क्या किया, तो 20% लाभ कुल के ऊपर निकाल लिया, 24,000। अतिरिक्त लाभ कितना है? अतिरिक्त लाभ 4,000 माइनस 2,500, 1,500 रुपये। और अतः एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है 10,000 रुपये, और इसको हम कर देते मल्टीप्लाई कितने से, एक्स बटे 100 से, और बराबर रख देते 1,500। देखिए क्या करते हैं, हम 1,500 बराबर में रख लेते हैं। हमने जो ऊपर घटाया था, ये 4,000 कुल के ऊपर लाभ था, यानी 24,000 हमें प्राप्त हुआ था, उसमें से 4,000 हमें कुल लाभ मिलता है, कुल के ऊपर, कितने के ऊपर, 20,000 के ऊपर। यदि हमें एक वस्तु का निकाले, हमें दिया गया था एक वस्तु पर 25% लाभ होता है, तो वो हमें प्राप्त होता 2,500, 10,000 पर 25% लाभ। वो एक वस्तु का इसमें से घटा लेते हैं तो 1,500 हमें अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो जाता है। ये वो लाभ है जो हमें इसके बराबर में रखना है, यही हमें निकालना है अतिरिक्त लाभ कितना होता है। यानी यह इन्होंने कहा था 25% लाभ तो बेचता है एक वस्तु को, दूसरी वस्तु पर कितना लाभ हो कि कुल का 20% लाभ मिल जाए। तो कुल का 20% लाभ हमने ये निकाल लिया है, कुल के बराबर में हम रख लेते हैं, इसके बराबर में ये एक वस्तु का अतिरिक्त जो लाभ था, तो 10,000 गुणा वो एक्स मान लेते हैं, एक्स प्रतिशत है वो लाभ, तो एक्स बटे 100 और बराबर 1,500। अब ये जो 1,500 है, यही हमें इस वैल्यू को कैलकुलेट करने में सहायता करता है, 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर बचता है 100, 100 यहाँ गुणा में है और दूसरी तरफ जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, और भाग में जाएगा तो ये इसकी 2 जीरो काट देगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा 15%। तो दूसरी वस्तु पर 15% लाभ होता है, या दूसरी वस्तु को 15% लाभ पर बेचना होगा तभी हमें 20% कुल लाभ मिलेगा। सिंपल सी बात है, 15% लाभ इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, आसान सा तरीका है। हम मान लेते हैं इसको एक्स एक्स मान लेते हैं, अब 25+x और बटे 2 बराबर 20, कुल 20 प्राप्त होना है, तो 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी 20 के साथ, जो हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। अब 25 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और 40 में से घटा देंगे तो x बराबर 15 आ जाएगा, x बराबर 15 आ जाएगा। आसानी से इस ट्रिक से भी आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 करोड़ में से प्रत्येक को बराबर मूल्य पर बेचा जाता है, प्रत्येक पहले में 10% का मुनाफा होता है और दूसरे पर 5% की हानि होती है, तो कुल मिलाकर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 2 करें उनको बराबर मूल्य पर बेचा गया है, पहले पर 10% मुनाफा है, दूसरे पर 5 की हानि है, कुल लाभ हानि हमें ज्ञात करनी है। तो क्या कर लेते हैं हम, 100 × 10 − 5 दोनों की सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, माइनस 2 × 5 × 10। तो क्या करते हैं, इसके ऊपर हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है, और फॉर्मूला है 100 × a − b माइनस 2ab और बटे 100 जमा a और प्लस 100 जमा 100 − b, आनी हुई है ना, तो 100 − b करेंगे तो
तो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया है। अगर ये यहाँ पर आनी नहीं होती तो हम प्लस लगाते, यहाँ पर ए प्लस बी होता, ए प्लस होता, ऐसे होता ये। अब हमने माइनस यूज़ किया हानि होती है तो ऐसे इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हमने क्या किया, 100 इंटू ए माइनस बी यानी 10 माइनस 5 माइनस 2 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई और 100 प्लस 10 प्लस 100 माइनस 5 ऐसे ही किया। तो इसको हल करने पर 10 माइनस 5 5 और 5 की 100 के साथ गुणा 500, 2 2 5 10 10 और 10 की गुणा 100, तो ये 100 आ गया, 500 माइनस 100 और नीचे 100 और 100 210 में से 5 माइनस करेंगे 205, 500 में से 100 घटाएंगे 400 बटे 205। अब इसको डिवाइड कर लें तो डिवाइड करने पर हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा, धनात्मक है तो लाभ होगा, तो लाभ होता है क्या है इसमें देखो, ये है 100 माइनस पी माइनस एल, ये फॉर्मूला है, पी लाभ प्रतिशत है, एल हानि है, एल क्या है हानि प्रतिशत है, तो हानि के केस में ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, माइनस के केस में तो ये फॉर्मूला इसमें यूज़ किया जा सकता है। किसी वस्तु पर लाभ विक्रय मूल्य के 20% के बराबर है तो क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। इन्होंने कहा वस्तु पर लाभ विक्रय मूल्य के 20% के बराबर है तो क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। क्रय मूल्य मान लेते हैं हम कितना है, 100 रुपये है, लाभ 20 रुपये है, क्रय मूल्य कितना हुआ 80 रुपये, तो इससे कम कर देना, 20 कम कर देते हैं तो क्रय मूल्य चले के ऊपर चले जाते हैं, तो 80 रुपये क्रय मूल्य तभी जा कर के ये 100 हुआ था। अब क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं, लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो ये कट जाएगा, 0 से 0 कट गई और 2 चौके 8, 4 से 25 पे कट जाएगा, 25% लाभ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का लागत मूल्य पर किसी कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि उस पर 10% की छूट देने के बाद भी 44% का लाभ हो, मूल्य कितना बढ़ा जाए यदि 10% की छूट दें तो भी 44% लाभ हो। दोनों को जोड़ देते, फॉर्मूला आसान सा है, ऊपर दोनों को जोड़ देते एक्स प्लस वाई यानी 44 प्लस 10, और जो छूट है उसको 100 में से घटा लेते, जो छूट है उसको 100 में से, फॉर्मूला जो है एक्स प्लस वाई है, ये ट्रिक हमारी, तो 100 माइनस जो छूट दी गई है उसको इसमें से घटा देंगे, छूट हमारे पास वाई है तो वाई गुणा 100, तो ये 90 आ जाएगा, नीचे ऊपर आ जाएगा 54, 54 बटे 90 और गुणा 100, ये कट जाएगा 10 से, 9 6 54, 6 की गुणा 10 के साथ 60, 60% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी और पानी के 12 लीटर के घोल में 4% चीनी है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है, शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है। बिल्कुल आसान सी ट्रिक है इसकी, 12 गुणा 4 और 12 माइनस 2, टोटल घोल कितना 12 लीटर, तो जो कुल है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे जितने प्रतिशत चीनी दे रखी है, और 2 लीटर पानी उड़ गया तो 2 घटा देंगे इसमें से, 12 में से 2, तो इसकी गुणा करेंगे और नीचे सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 12 चौके 48 और 12 में से 2 हटाएंगे तो 10, तो 48 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.8% आंसर आ जाएगा, तो 4.8 जो प्रतिशत है ये चीनी की परसेंटेज आ गई।